दरम्यान नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात उपोषणावर बसलेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची प्रकृती खालावल्यानं त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आलंय. कालच केजरीवालांचे आणखी एक सहकारी सत्येंद्र जैन यांना रुग्णालयात हलवावं लागलं होतं. जैन यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितलंय. त्यानंतर आता सिसोदिया यांच्या युरिनमधील किटोनचं प्रमाण धोकादायक पातळीवर गेलं, तसंच रक्तामधल्या शर्करेचं प्रमाण घटल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. कीटोन लेवल 7.4 था मनीष सिसोदिया जी का जब यहाँ पर आए, और जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है. मैं भी उनसे मिल के आया, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ है, और देखा तो उन्होंने हाथ पकड़ा, भावुकता से बोले कि हार नहीं मानना है, लड़ना है हम लोगों को. और इतनी ही बात हुई मेरी, फिर उसके बाद मैं अलग रूम में बैठ गया. डॉक्टर्स लगे हुए हैं और हर तरह का उनको मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है. फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.